एक्चुअल में इनको एक कंप्लेंट शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनने भ्रष्टाचार के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसकी जांच की गई। जांच पर से प्रथम दृष्टि अपराध पंजीबद्ध किया गया और आज सर्चिंग में करीबन 15 तो रजिस्ट्रियाँ मिली हैं इनके नाम से, जो इनके इनके पुत्र और इनकी पत्नी के नाम पर हैं। कुछ धार में है, कुछ इंदौर में है, और 4-5 रजिस्ट्रियाँ किसी दूसरे के नाम से हैं वो प्राप्त हो गई हैं। और एक छापा इंदौर में इनके जो निवास है वहाँ पर भी डाला गया, जिसमें भी जाँच चल रही है। बैंक के दस्तावेज भी मिले हैं जो अभी जांच जारी है। एक 10-15 पासपोर्ट हैं, तो वो पासबुक हैं, तो उसके भी बैंक से डिटेल लिए जाकर जो भी धनराशि है जिसका गोल्ड तो अभी 6-7 तोला ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। धार में कैलाश नगर स्थित कोई, हाँ इनका धार में कैलाश नगर 2 मकान, एक तो इन्हें बेच दिया अभी, एक कैलाश नगर वर्तमान में है 87 नंबर। नहीं अभी जांच, अभी तो प्रथम दृष्टि चल ही रहा है ना अभी। सर क्या लगता है कितने की संपत्ति हुई इनके पास? अभी अंदाजन 15, अनुमान कैसे बता सकते हैं सर? शिकायत करता प्रमाण में पता चल पाएगा धार से नहीं, नहीं वो गोपनीय रहता है। SS यादव DSP लोग कहते हैं।